अपने चैनल झोंकी न्यूज़ में, तो 2-3 सेंटर की और अपडेट लेके आ चुका हूँ मैं दोस्तों। आपको भी वेट होगा कि इनका एग्ज़ाम 25 को होगा नहीं होगा, काफ़ी डाउट में रहते हैं दोस्तों। और नोटिफिकेशन आने की बात मैं बता दूं आपको दोस्तों, कई बोल रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आया, तो नोटिफिकेशन दोस्तों हमेशा लीक होके आता है, कोई आपको पर्सनली नहीं भेजता है, ठीक है, कोई कहीं पे ऑफिशियल साइट पे नहीं लगता है नोटिस और लीक होके आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके लिए लीक होके आ जाएगा, ठीक है। सेंटर से कई बार इन्फॉर्मेशन पहले आ भी जाती है नहीं भी आ जाती है, लेकिन मैनुअली पता सबको लग जाता है, तो वही बता रहा हूँ आपको। अब 3 EME सेंटर की मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर एक दोस्त है मेरा, तो जो इन्फॉर्मेशन निकल गया है सबसे पहले 3 EME की बताऊँगा। तो भोपाल के अंदर अभी एग्ज़ाम होने के चांस है पूरे, और अभी एग्ज़ाम होगा आपका 100%, उन्होंने कैंसिल नहीं किया है। तो अब हम पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल ऑल इंडिया लेवल पे कर दिया इन्होंने, तो कुछ सेंटर है जिनका एग्ज़ाम 100% होने के अभी चांस हैं और कुछ ऐसे हैं। दूसरे बात करते हैं महार सेंटर की, महार सेंटर का दोस्तों कैंसिल हो चुका है, सागर के अंदर सेंटर इसका, और मैं ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कन्फर्म करके बोल रहा हूँ आपको, वैसे ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, 100% रियल वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा महार सेंटर का भी एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो चुका है, तो आप बेशक सेंटर से कॉल कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो बता रहा हूँ आपको। सेंटर पे कॉल किया था तो कैंसिल बता रहे हैं आपका एग्ज़ाम, ठीक है। और दोस्तों GRC सेंटर जबलपुर है, इसकी दोस्तों कई बार इन्फॉर्मेशन आ ली मेरे पास, और वो खुद बता रहे हैं कि आपको जाना, और मैं आपको एडमिट कार्ड बताऊं कब मिलेंगे इसके, और आपका एग्ज़ाम इसका GRC सेंटर जबलपुर का 25 तारीख को ही बोल रहे हैं, 25 को ही होगा। तो मैं भी खुद हैरान हूँ, जबलपुर के अंदर तो इतना लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है, तो कैसे क्या जाएंगे बंदे। तो अब तक तो वहाँ पे पेपर 100% होने के चांस बने हुए हैं, आपको मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ, एक बंदे ने भेजा मेरे पास, तो देखना आप। तो ये देखिए, एक दोस्त ने भेजा मेरे पास, ये मैनुअली कोई मैसेज आया उसके पास सेंटर से, बता रहा है वो जैसे कि, तो आपको जबलपुर 22 को जाना और एडमिट कार्ड आपके 23 को इशू हो जाएंगे, और आपको 25 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो यार मैं तो कहूँगा कैंसिल ही हो जाए, क्योंकि जबलपुर में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे किसी को ना तो रूम मिलेंगे, IDP पे आपको कोई रूम नहीं देगा वहाँ पे, तो स्टे की भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और ट्रैवलिंग की तो प्रॉब्लम आपको होने ही वाली है लो जबलपुर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कोविड का बहुत सिचुएशन ख़राब है। तो अब तक तो देखो एग्ज़ाम के 100% चांस है, और आपका जो इस सेंटर का नोटिफिकेशन नहीं मिला और आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, जिसकी अब तक कैंसिल की भी कोई बात नहीं आई है, कोई सेंटर की कैंसिल की बात तो आ रही है, तो इसकी 100% होने की है, तो आप सेंटर पे जाना पड़ेगा आपको कैसे भी करके, और एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। तो ये इन्फॉर्मेशन थी 3 सेंटर की, और जैसे ही कोई और नोटिफिकेशन निकल के आएगा तो भी बनाऊँगा मैं आपके लिए कन्फर्म। तो जिस सेंटर की आप कॉल भी कर सकते हैं सेंटर पे, मैं नंबर प्रोवाइड करवा रखे, मैंने वीडियो डाल रखे स्पेशल कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप वहाँ से आप जाके अपने सेंटर पे कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको नंबर नहीं पता तो अपने सेंटर का। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करने कर जाना, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको पता लग जाए इनका एग्ज़ाम कब है। जय हिंद, नमस्कार।